Good morning, dear children. How are you? Today we will start subject science, class 1st, lesson number 5th, animals around us. Animals means जानते हैं आप क्या होता है? Animals means होता है जानवर. Around us मतलब हमारे चारों तरफ. तो हमारे चारों तरफ जो जानवर पाए जाते हैं उनको हम animals कहते हैं. ठीक है. There are different kinds of animals around us. They live in different places. They have different features. They do not eat the same kind of food. आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे birds रहते हैं जो कि अलग अलग प्लेस पर रहते हैं. अलग अलग उनका different features होता है, different food होता है, different types of लिव होता है उनका. ठीक है. मतलब कि वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं. टाइप्स ऑफ एनिमल्स. टाइप्स ऑफ एनिमल्स में मतलब एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं. सम एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट आर बिग. अदर एनिमल्स सच एज माइस एंड एंट्स आर स्मॉल. आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं. तो जो बिग एनिमल्स होते हैं उनमें आपका जाएगा कैमल्स और एलिफेंट. जो स्मॉल एलिफेंट्स है उसमें आपका जाएगा एंट एंड माइस. कैमल और एलिफेंट आप जानते हैं, कैमल मीन्स होता है ऊंट, एलिफेंट मतलब हाथी. स्मॉल एनिमल्स में आपका जाएगा माइस एंड एंट्स. माइस मीन्स होता है चूहे और एंट मीन्स चींटियाँ. एनिमल्स सच एज क्रो, डॉग एंड काउज आर फाउंड इन अदर आवर नेबरहुड. सम एनिमल्स सच एज लायन एंड बियर आर इन अ जू एंड फॉरेस्ट. एनिमल्स सच एज काउ, डॉग और क्रो. काउ, डॉग और क्रॉस जो है वो आपके नेबरहुड होते हैं, यानी पड़ोसी होते हैं. वो आपको कहीं भी पास की जगह पे दिखाई दे जाएंगे. लेकिन जो बिग एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स लॉयन बियर्स एंड टाइगर. कुछ कुछ बड़े एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको कहाँ दिखाई देंगे, जू में दिखाई देंगे. जू मतलब चिड़ियाघर या जंगल में दिखाई देंगे. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव मोर देन टू लेग्स. सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स हैव टू लेग्स. आप जानते हैं कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके टू लेग्स होते हैं. ठीक है. कुछ कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनके टू लेग्स होते हैं. बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. आपने देखा होगा कि जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई होते हैं. उनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं होते हैं. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि उड़ पाते हैं, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो नहीं उड़ पाते. लेकिन जो बर्ड्स जिनके विंग्स मतलब WING विंग्स मतलब पंख, जिनके पंख होते हैं वो इजीली उड़ जाते हैं. दे हैव टू लेग्स टू रन एंड वॉक अराउंड. जो बर्ड्स होते हैं उनके टू लेग्स होते हैं. ठीक है. टू लेग्स होते हैं जिससे वो चलते हैं और दौड़ भी लगाते हैं. दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. वो अपने बीक्स यानी चोंच से खाते हैं. BEAKS बीक्स मतलब चोंच. दे डू नॉट हैव टीथ. और बर्ड्स के टीथ यानी कि दांत नहीं होते हैं. जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे पैरेट, पिजन, क्रॉ, स्पैरो, ये सब आपने देखा ही होगा. क्या इनके अंदर कभी आपने टीथ देखे हैं? नहीं. इनकी जो बीक होती है, ये चोंच होती है, वही बहुत शार्प होती है जिससे ये किसी भी फूड को ईट कर लेते हैं और उनको टीथ की ज़रूरत नहीं होती है. देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. दे कैन रन और वॉक. कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं पाते, लेकिन वो चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं. जैसे पेंगियन और ऑस्ट्रिच. पेंगियन और ऑस्ट्रिच, इनके पास टू लेग भी हैं, फीदर्स भी हैं, बट इनके जो फीदर्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं. इस कारण से इनको फ्लाइटलेस नाम से भी जाना जाता है. तो ये उड़ नहीं पाते हैं, सिर्फ चल लेते हैं और दौड़ लेते हैं. देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन स्विम ऑन वाटर. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि वाटर पे स्विम करते हैं. स्विम मतलब तैरना. WSSWIM स्विम. स्विम मतलब तैरना. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि तैरते हैं. ठीक है. तो देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन स्विम ऑन वाटर. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वाटर पे स्विम करते हैं, जैसे डक और स्वैन. डक और स्वैन. डक मींस बतख, स्वैन मींस हंस. तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि
फ्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ वाटर पे स्विम करते हैं, वाटर पे वाटर में तैरते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट्स आर सम स्मॉल एनिमल्स, दे हैव सिक्स लेग। सम एनिमल ऑल्सो हैव विंग्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी स्मॉल्स होते हैं एंड दे हैव सिक्स लेग्स। एंड जो इंसेक्ट होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं? सिक्स लेग्स होते हैं। सम इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास विंग्स भी होते हैं, पंख भी होते हैं। जैसे ग्रास हॉपर आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है, कॉकरोच भी सबने देखा होगा, बटरफ्लाई भी देखी होगी, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, एंट मतलब चींटी, बी मतलब मधुमक्खी, मॉस्किटो मतलब मच्छर। तो ये सब आपने देखे होंगे इंसेक्ट, नॉर्मली सभी के घर में आसपास भी सब जगह दिखाई देते हैं, तो इनसे हम इजीली समझ सकते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके सिक्स लेग्स होते हैं और किसी कोई कोई से बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक द फ्ली, टर्माइट एंड रेड एंट डू नॉट हैव विंग्स, दे कैन नॉट फ्लाई। कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके जिनके विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन विंग्स नहीं होते तो ये उड़ नहीं पाते हैं, सिर्फ चल पाते हैं। जैसे आपने देखी होगी घर में रेड चींटी, ठीक है, और फ्लू मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें चींटियाँ वगैरह रहती हैं, उनके विंग्स पंख नहीं रहते हैं जिससे कि वो उड़ नहीं सकती, लेकिन वो चल सकती हैं। वेयर डू एनिमल लिव, नेक्स्ट क्या है आपका, वेयर डू एनिमल लिव, एनिमल कहाँ रहते हैं। एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, इन रिवर और ऑन ट्रीज। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई कोई रिवर में रहता है, कोई कोई ट्री पर रहता है। एनिमल्स सच एज क्रॉस, पिजन, डॉग एंड कैट आर फाउंड इन आवर नेबरहुड। तो आप देखेंगे कुछ कुछ एनिमल्स में से क्रॉस, पिजन, डॉग एंड कैट्स आर फाउंड इन आवर नेबरहुड। क्रॉस भी यानी कौवा भी आपको आपके आसपास मिल जाएगा, पिजन कबूतर भी मिल जाएगा, डॉग कुत्ते भी मिल जाएंगे और कैट्स भी आपको आपके आसपास में मिल जाएगी। दे ईट फूड दैट इज लेफ्ट ओवर बाय पीपल, समटाइम दे आर कैप्ट इन अ ज़ू। दे ईट फूड दैट इज लेफ्ट ओवर बाय पीपल, ये क्या करते हैं मतलब कि अपना जो फूड है उसके लिए सम टाइम दे आर कैप्ट इन अ ज़ू, और जब इनको ज़ू में छोड़ दिया जाता है, ज़ू में जब ये रहते हैं तो इनको टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है। सो चिल्ड्रन, फिफ्थ लेसन जो आपका है वो वर्ड्स है। मैं आपको पूरा लेसन एक साथ नहीं करवाऊँगी क्योंकि आप छोटे छोटे हो, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पिक्चर्स की हेल्प से ये लेसन रीड करेंगे। फर्स्ट क्लास में हैं तो आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, आप रीड करके पेज नंबर 36, 37 एंड 38 पढ़ेंगे, रीड करेंगे और देखेंगे आपको जो समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जो आपके लेसन्स हैं सभी के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए थे, आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो आपको डे बाय डे जो भी वर्क दिया जाता है वो आप कर लेंगे कॉपी में और सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपकी कॉपीज़ भी एक दिन चेक हो जाएंगी, लेकिन आपको डे बाय डे लिखना पड़ेगा। फोर्थ लेसन तक के क्वेश्चन आंसर मैंने आप करवा दिए हैं। आपका जो होमवर्क रहेगा टुडे का वो यही रहेगा कि आप लेसन नंबर फिफ्थ जो है पेज नंबर 36, 37, 38 रीड करेंगे। राइटिंग वर्क आपके लिए अभी कुछ नहीं है, बस आप रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद में पिक्चर्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। आज की साइंस की क्लास यहीं ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।